तो आज वीडियो बात करने वाले वन पंच मैन एनिमे सीरीज के वॉचर्ड के ऊपर। अगर हम इस एनिमे सीरीज का एक शॉर्ट रिव्यू करें तो एक एक्शन कॉमेडी साइंस फ्रिक्शन सुपर पावर और एक सुपर नेचुरल एनिमे है जिसे फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था मैड हाउस स्टूडियो ने। इस एनिमे की स्टोरी में आपको हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है सेठमा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल कैरेक्टर है और मेरे ख्याल से अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जो कि वन पंच में किसी भी एनिमी को हरा सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से बोर हो चुका है क्योंकि वो जिस भी ओपोनेंट से फाइट करता है वो उसके पावर लेवल के दूर दूर तक करीब भी नहीं होता, जिस वजह से वो इजी विन से बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। लेकिन उसका ड्रीम होता है कि वो एक दिन जरूर एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से फाइट करेगा और साथ साथ जिस तरह ये स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी इस सीरीज के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट विलन देखने को मिलेंगे। और अगर आप एक मांगा रीडर हैं तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वन पंच मैन की फाइट्स फ्यूचर में जाके इंटरनेट ब्रेकिंग लेवल तक है जो कि बियॉन्ड द यूनिवर्स है और इतनी बेस्ट और हाईएस्ट लेवल की फाइट्स हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और अगर आप एक बेस्ट सुपर हीरो एनिमे देखना चाहते हैं तो एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। साथ साथ ये अपने कॉमेडी की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंज एक्टिविटीज उसे बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है किसी भी नॉर्मल एनिमे मुकाबले में, तो एक बेस्ट चॉइस होने वाली है अगर आप ये एनिमे अभी तक नहीं देखा। साथ साथ इस वीडियो के अंदर इसके मांगा के रेफरेंस के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं और बहुत सारी अपडेट आ रही है इसके सीजन 3 के रिलेटेड, तो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज स्टार्ट होती है अपने फर्स्ट सीजन से जिसका नाम था वन पंच मैन जो की रिलीज हुआ है अक्टूबर 5, 2015 को। इसके फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और इन एपिसोड्स की रेटिंग मिली थी 8.50 की। इसके फर्स्ट सीजन के तमाम एपिसोड आपको इंग्लिश सब और डब देखने में मिलेंगे और साथ साथ इसके एपिसोड उर्दू डब में भी अवेलेबल हैं जो काफी हद तक सिमिलर लाइक हिंदी डब जैसे हैं। और क्योंकि मैंने पर्सनली वन पंच मैन के उर्दू डब एपिसोड देखे हैं जो कि बहुत ही मास्टरपीस डब हुए हैं जो कि आपको किड जोन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट पर भी ये एपिसोड्स अवेलेबल हैं। तो इन एपिसोड को देखने के बाद अब इसके कुछ स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम है वन पंच मैन स्पेशल्स जो कि रिलीज हुए थे दिसंबर 24, 2015 को। ये टोटल 6 एपिसोड है, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 12 मिनट, इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 7.70 की। ये 6 एपिसोड इसके सीजन 1 की स्टोरी के रिलेटेड है और आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी देखने को मिलती है जो कि काफी पॉपुलर है। इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसका सेकंड सीजन देखेंगे जिसका नाम था वन पंच मैन सीजन 2 जो रिलीज हुआ था अप्रैल 10, 2019 को। इसके सेकंड सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट, इन एपिसोड्स की रेटिंग मिलती है 7.51 की जो कि इस सीरीज का सेकंड सीजन है। तो इसका सेकंड सीजन देखने के बाद अब सेकंड सीजन के रिलेटेड कुछ स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम है वन पंच मैन सीजन 2 स्पेशल्स जो कि रिलीज हुए थे अक्टूबर 25, 2019 को। ये टोटल 6 एपिसोड हैं, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 12 मिनट, इन एपिसोड्स की रेटिंग मिलती है 7.39 की। ये स्पेशल एपिसोड्स भी सीजन 2 के रिलेटेड हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल और थोड़ी साइड स्टोरी देखने को मिलती है हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स की, तो इन एपिसोड्स को जरूर एंजॉय करेंगे। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद हम बात करेंगे इसके सीजन 3 के ऊपर जो काफी एनिमे फैन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2024 में हमें ये सीजन देखने को मिलेगा जो कि क्रिएट किया जाना था मापा स्टूडियो की तरफ से। लेकिन बहुत सारी अपडेट आ रहे हैं कि वन पंच मैन के ऑथर ने मापा स्टूडियो को क्विट कर दिया है और वो अपना एक न्यू स्टूडियो क्रिएट करने वाले है जहाँ पर वो वन पंच मैन का सीजन 3 क्रिएट करेंगे। क्योंकि अगर आप एक मांगा रीडर है और आपने वन पंच मैन का सीजन 3 रीड किया है तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सीजन 3 की एनिमेशन कितनी हार्ड और डिफिकल्ट है क्योंकि किसी भी नॉर्मल स्टूडियो के लिए क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है और मापा स्टूडियो में बहुत ही अरसे से प्रॉब्लम जा रही है। लेकिन स्टिल हम कुछ प्रॉपर नहीं कह सकते कि इसका सीजन 3 मापा स्टूडियो क्रिएट करेगा या इसे कोई एक न्यू स्टूडियो क्रिएट करेगा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मापा स्टूडियो एक बेस्ट स्टूडियो है जिसने जुजुत्सु कैसेन और अटैक ऑन टाइटन जैसे बड़े एनिमे को क्रिएट किया है। उनके पास तमाम वर्कर्स बहुत ही स्किलफुल और प्रोफेशनल हैं और क्योंकि वन पंच मैन सीजन 3 की स्टोरी बहुत ही मास्टरपीस है तो एनिमे फैंस नहीं चाहते कि उसकी एनिमेशन में कुछ इफेक्ट हो या आपको बहुत ही बैड और लो एनिमेशन देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से मापा स्टूडियो को ही इसका सीजन 3 क्रिएट करना चाहिए ताकि हमें एक बेस्ट सीजन देखने को मिल सके, ताकि हमें एक बेस्ट एनिमेशन देखने को मिल सके सीजन 3 के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे मांगा के ऊपर। तो वन पंच मैन के अंदर आपको टोटल 29 वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे जो टोटल 205 चैप्टर्स बनते हैं और रिसेंटली इसकी स्टोरी स्टिल ऑन गोइंग है और इसके न्यू चैप्टर्स स्टिल रिलीज हो रहे हैं। अगर हम इसके सीजन 1 के ऊपर बात करें तो सीजन 1 की स्टोरी इसके वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 7 तक चली थी जिसने कवर किए थे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 37 तक। तो चैप्टर 37 देखने के बाद इसका सीजन 2 स्टार्ट हो जाता है जो कि चैप्टर 38 से ऑनवर्ड चैप्टर 85 तक चला था
और अगर आप इसका सीजन 3 स्टार्ट करना चाहते हैं मांगा के जरिए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर 86 से। ऑनवर्ड इसकी स्टोरी चलती है और आप सीजन 3 की स्टोरी को जान सकते हैं। तो ये था इस एनिमे सीरीज का कंप्लीट वॉच ऑर्डर। तो मैं करता हूं वीडियो प्ले हेल्पफुल है की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉच ऑर्डर बताता रहूं। एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।